हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वोकैब जीनी। हम पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी थ्रू एटिमोलॉजी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लक्वेशियस लोगों के बारे में, द पीपल हु लव टू टॉक। नाउ दीज पीपल हु लव टू टॉक, दे कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। जो लोगों को बहुत बात करना पसंद है, उनकी भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। दे कैन बी पीपल जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत वर्ड्स ही वर्ड्स। दे कैन बी दोज जो बहुत फ्लुएंटली बात करते हैं, बड़े ईज के साथ बात करते हैं। देन देयर कैन बी दोज जो बहुत लाउड होते हैं, बहुत नॉइजी होते हैं, बात तो करते ही हैं साथ में बहुत ज़्यादा नॉइजी भी होते हैं। एंड देर कैन बी दोज जो बहुत अननेसेसरली बात करते हैं, बेफालतू की बातें, इधर उधर की बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, फालतू बोलते रहते हैं। सो देर कैन बी वेराइटीज ऑफ लक्वेशियस पीपल। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लक्वेशियस लोगों की टाइप्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनके ऑप्शन जो होते हैं ना, वो कुछ ऐसे होते हैं, यानी कि सभी ऑप्शंस इतने सिमिलर होते हैं, एक जैसे लगते हैं, तो हमें अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग मालूम होने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में वैसे भी हर वर्ड का मीनिंग अलग होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लक्वेशियस लोगों की वैरायटी के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं चार वर्ड्स। नंबर वन वर्बोस, नंबर टू वॉल्यूबल, नंबर थ्री वसीफरस एंड नंबर फोर गैरलस। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला वर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज वर्बोस, जो कि लेटिन वर्बम से आया है, विच मीन्स वर्ड। तो जहां पर भी वर्ड्स की बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है, सॉरी, यानी कि वर्ड्स की बात हो रही है, एज इन वर्बटिम। वर्बटिम वी नो मीन्स वर्ड टू वर्ड। वर्बटिम किसी चीज को लिख देना, यानी कि वैसा का वैसा, वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल सेम। एंड ओ एस ई मीन्स फुल ऑफ। सो वर्बोस पीपल आर फुल ऑफ वर्ड्स, दे मेक एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स। जितना जरूरी नहीं है, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा वर्ड्स का यूज करते हैं। सो दे आर वर्बोस पीपल। और अगर हम इसमें आई टी वाई लगा दें तो नाउन बन जाएगा, verbosity means wordiness. So let's move on to our second type of loquacious people, that is voluble. Now here voluble जो है वो volvo से आया है, latin volvo से आया है, जिसका mean मतलब है to roll, घूमना। आपने बहुत सारे words में volvo वाले बहुत सारे words सुने होंगे, जैसे कि revolve। रिवॉल्व का क्या मतलब होता है? टू रोल अगेन एंड अगेन, बार बार घूमना। अब री, यहाँ पर री प्रेफिक्स का मतलब है अगेन, तो रिवॉल्व हुआ बार बार घूमना, टू रोल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। देन आपने इवॉल्व सुना होगा, ये भी वॉल्वो से बना है। इवॉल्व मीन्स टू रोल आउट, ई मीन्स आउट, तो इवॉल्व मीन्स टू रोल आउट, मतलब बाहर की तरफ घूमना, यानी कि डेवलपमेंट होना, इवॉल्व होना, डेवलपमेंट होना, जो कि बढ़ती जा रही है ग्रेजुअली, धीरे 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 कोई इवॉल्व हो रहा है, यानी कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रही है। सो वॉल्वो बहुत सारे वर्ड्स में आपने सुना है। देन बी एल ई इज अ वेरिएंट ऑफ एबल, दैट मींस केपेबल ऑफ। सो वॉल्यूबल पीपल आर केपेबल ऑफ रोलिंग देयर टंग, मतलब उनकी जीभ बहुत चलती है, बहुत घूमती है। So we can say voluble people speak fluently or with continuous flow of words. बहुत fluently बात करते हैं, मतलब बहुत ही fluently, बहुत ही ease के साथ, continuously उनकी जीभ इतनी चलती है। Then we come to the third type, that is vociferous. Now vociferous बना है latin voices से, जो actually voice है, voice. And F-E-R-O, that means to carry. O-U-S, हमें पता है, is an adjective suffix. So, vociferous people can carry their voice a lot. उनकी मतलब बात से ज़्यादा आवाज़ में दम होता है. In simple words, we can say they are very loud and very noisy. बहुत बहुत loud होते हैं. उनकी
आवाज़ बड़ी भारी भरकम शोर शराबे वाली होती है, बहुत ज़्यादा नॉइसी होते हैं वसीफरस लोग. देन वी कम टू द लास्ट टाइप, दैट इज़ गैरलस, जो कि बना है लेटिन गैरियो से, विच मीन्स टू चैटर. देन देर इज़ ULOUS, विच इज़ एन एडजेक्टिव सफिक्स, जिसका मतलब है हैबिचुअली इंगेज्ड इन द एक्शन स्पेसिफाइड बाय द इनिशियल एलिमेंट इन द वर्ड. वर्ड में जो इनिशियल एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर क्या है, गैरियो, विच मीन्स टू चैटर, ये हमारा इनिशियल एलिमेंट है. सो गैरलस पीपल आर हैबिचुअली इंगेज्ड इन चैटरिंग, मीन्स दे स्पीक कॉन्स्टेंटली एंड यूजुअली एमलेसली एंड मीनिंगलेसली एंड अबाउट ट्राइफल्स. मतलब वो बेमतलब की बातें कॉन्स्टेंटली कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं. वी कैन कॉल देम चैटर बॉक्स, मंकीज की तरह बस ची 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 करते रहते हैं. आपने कई बार सुना होगा, वी रिफर टू ओल्ड पीपल, जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वी रिफर टू देम एज गैरुलस आंट और गैरुलस अंकल. मे बी ओल्ड एज में आके शायद इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट का डिफरेंस नहीं ध्यान में रहता, सो वी बिकम गैरलस. और आज जितने भी टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, अगर हम उनमें ITY लगा दें तो बन जाता है नाउन. ITY इज अ नाउन सफिक्स, तो हम इनमें ITY लगाकर नाउन बना सकते हैं. नाउ इट्स क्विज टाइम. जितने भी वर्ड्स आज हमने पढ़े उनके ऊपर बेस्ड मैंने एक क्विज बनाया है आपके लिए. हियर आर 5 वर्ड्स. नंबर 1 वर्बोसिटी, नंबर 2 वॉल्यूबिलिटी, नंबर 3 गैरुलिटी, देन देर इज एवोल्यूशन, एंड नंबर 5 रेवोल्यूशन. आपको इन पांचों को इनके सही मीनिंग्स के साथ मैच करना है. यहाँ पर ABCDE आपको 5 मीनिंग्स दिए गए हैं, जो इनमें से किसी ना किसी वर्ड का है. तो आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप आंसर दे सकते हैं 1 के आगे लिखकर कि इसका कौन सा मीनिंग है. तो आपको ज़रूर बताना है कमेंट्स में, इस क्विज के रिप्लाई ज़रूर डालने हैं, और लाइक करना मत भूलिएगा. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बने रहिएगा वोकैब जीनी के साथ और नए वर्ड्स सीखने के लिए.